हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज और मिस्टर टेक्नोहॉलिक चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एपिक रोम के फीचर्स एंड बग्स के बारे में। जी हाँ, यदि आप अपने रेडमी नोट 3 में नुगट का अपडेट करने जा रहे हो यानी कि इस रोम को फ्लैश करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इसके फीचर्स एंड बग्स के बारे में, जिसमें आप जानेंगे इस रोम में क्या जो है आपको अच्छा मिल जाता है और क्या जो इस रोम में बुरा है उसके ऊपर जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं इसके अच्छाई के बारे में यानी कि इसके फीचर्स के बारे में। तो यार मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो थी इसमें फेस अनलॉकिंग सिस्टम की, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पर इस रोम में आपको मिल जाता है, जिसमें आप यदि अपनी फेस को ऐड करते हो तो आप अपने फ़ोन को अपनी फेस की मदद से अनलॉक कर सकते हो, जो कि इस रोम में काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगा। और यहाँ बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे वही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो MIUI 9 और नोगट पे मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से वही सारी चीज़ें बताकर आपके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। तो इन शॉर्ट आपको यही बताऊँगा कि यहाँ पर आपको नोगट वाला एक नोटिफिकेशन बार वाला फीचर भी जो मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्टली किसी को रिप्लाई कर सकते हो बिना अप्लीकेशन को ओपन करें। और ठीक जैसे आप मल्टीटास्किंग वगैरह करना पसंद करते हो तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये फीचर्स भी आपको इस रोम में मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है और यहाँ पर आप इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ फीचर्स तक ही नहीं अटकी है, यहाँ पर फीचर्स के साथ साथ हमें किसी भी रोम पे एक फाइन और एक स्मूथ वर्किंग भी चाहिए होती है। लेकिन इस रोम में बग्स तो काफ़ी भरे पड़े हैं यार, काफ़ी भरे पड़े हैं इसमें बग्स। तो वो क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहले प्रॉब्लम मिली थी वो है कैमरा एप्लीकेशन में, जो कि एक काफ़ी बड़ा बग्स इसे आप कह सकते हो। और यहाँ पर मैं जैसे ही कोई भी इमेज यहाँ पर कैप्चर करने के लिए शटर पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, और यहाँ पर कैमरा को जिधर भी मूव कर रहा हूँ ये कुछ भी यहाँ पर मूव नहीं करता है, और यहाँ पर मैं कैमरे के कोई भी बटन्स को प्रेस करूँगा तो भी कुछ भी काम नहीं करता है। तो ये जो है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बग्स है कैमरा एप्लीकेशन में। हालांकि इसे बैक करने पर ये भी बैक नहीं होता है, लेकिन होम स्क्रीन के बटन को प्रेस करते ही ये होम स्क्रीन पर आ जाता है। तो ये जो है यहाँ पर एक कैमरा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम जो है मुझे दिखा। अब जो मुझे दूसरी प्रॉब्लम दिखी थी वो थी यहाँ पर वेदर रिपोर्ट पे, यानी कि यहाँ पर मेरा जो GPS है वो काम नहीं कर रहा था। हालांकि मेरा GPS पूरी तरह से ऑन था, डेटा भी ऑन था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो GPS भी ऑन है, डेटा भी ऑन है, वाईफाई भी ऑन है, सब कुछ ऑन होने के बावजूद भी यहाँ पर नो डेटा यहाँ पर दिख रहा था। यहाँ पर मैं इसे बार बार अपडेट करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि ये जो है अपडेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर मेरा लोकेशन शो ही नहीं कर रहा था, हालांकि एक दो बार आया भी था लेकिन फिर से बीच में ये गायब हो गया। तो ये इसे माइनर इशू कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेदर रिपोर्ट तो आप कहीं से भी देख सकते हो, लेकिन ये भी एक यहाँ पर प्रॉब्लम है इस रॉम में। एंड अगेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखी मुझे इस रॉम में वो थी फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन की, यानी कि जैसे शेयर इट हो चाहे MIUI ड्रॉप, यहाँ पर तो भाई साहब इतने टाइम लग गए जैसे कि मानो मैं 4G के ज़माने में नहीं बल्कि 2G के ज़माने में हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मुझे 1 GB के फाइल को ट्रांसफ़र करने में आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे। अब यार जो सबसे ख़तरनाक वाला बग्स जो मुझे दिखा वो बस मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि यार इसने तो बस मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं कॉल पे बात कर रहा था एंड अचानक से यहाँ पर ये कॉल फ्रीज हो गया, ना तो आवाज़ जा रही थी, ना तो आवाज़ आ रही थी, ना तो कॉल इंड हो रही थी, एंड ऐसा मैसेज जो है मुझे शो होने लगा, और ना ही कोई बटन काम कर रहा था, ना ही ये बैक होके वो कॉल कट रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है या फिर मेरे रोम का। तो मैं काफ़ी कोशिश करा, काफ़ी कोशिश करने के बाद जो है वो कॉल इंड नहीं हुआ, एंड उसके बाद जो है मैं फिर मैं दूसरी कॉल लगाने को सोचा तो वो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम आने लगा, एंड उसके बाद जो यहाँ सिस्टम में UI में नॉट रिस्पॉन्डिंग करके मैसेज शो होने लगा। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर जो है रोम में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार ये शो हो रहा था।
फिर इसे मैं सही करने के लिए इसे रिबूट करने को सोचा, लेकिन रिबूट का बटन भी काम नहीं कर रहा था। मैंने रिबूट के बटन पे प्रेस किया, लेकिन वो रिबूट नहीं हुआ और वैसे ही वो भी फ्रीज़ हो गया। फिर ऐसे ये फ्रीज़ का सिलसिला चलने लगा और चलते चलते ये अचानक से मेरा फ़ोन जो है ब्लैक हो गया, एंड ब्लैक होने के बाद ये लोगो आने लगा। ये इपिक का लोगो जो है काफ़ी टाइम तक चलने लगा, तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कुछ टाइम बाद मेरा फ़ोन ऑन हो जाए, लेकिन वो जो है ऑन होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। और मेरा फ़ोन मानो काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी गर्मी बढ़ गई थी, यानी कि इसे लगभग 40 से 45 डिग्री के बीच की इसकी टेम्परेचर हो गई थी, और ये फ़ोन ऑटोमेटिक जो है हीट होते ही जा रहा था, एंड ये फ़ोन ऑन होने का नाम नहीं ले रहा था। तो लगभग मैंने 10 से 15 मिनट वेट करा, लेकिन ये फ़ोन ना तो ऑन हुआ ना ही ऑफ़। फिर मैंने सोचा कि इसे बटन को प्रेस करके ऑफ़ करने की कोशिश करता हूँ, फिर ये ऑफ़ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने इसे रिकवरी मोड में रीस्टार्ट किया और फिर से सारे चीज़ों को वाइप किया, एंड देन फिर से इसी रोम को मैंने फ्लैश करा, क्योंकि मेरे पास कोई और रोम अवेलेबल नहीं था। एंड फिर लेजी फ्लैशर से फ्लैश करके मैंने फ़ोन को किसी तरह से अपने फ़ोन को ऑन करा, एंड फिर जाके मैंने चैन की सांस ली। एंड फिर से सेकेंड बार भी मुझे सेम प्रॉब्लम आ रही थी। ये तब आ रही थी जब मैं अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहा था और फ़ोन थोड़ा भी हीट हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम फ्रीज़ होने वाला प्रॉब्लम जो है आने लग रहा था। तो इस रोम की यही प्रॉब्लम है कि आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आते लगता है। आपकी कॉल फ्रीज़ हो जाती है, आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, सारा कुछ जो है फ्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके साथ भी सेम इशू होता है तो आप फिर से वाइप करके फिर से रोम को इंस्टॉल कर लें और फिर ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। हालांकि लेकिन इसे ज़्यादा यूज़ ना करें, मेरी एडवाइस यही होगी कि इस रोम को आप इस्तेमाल ना ही करें। अगर आपने किया है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये काम कर सकते हैं जैसे मैंने करा था, और फिर से आप दूसरा रोम कोई जो है चेंज कर सकते हैं या फिर अपने ओरिजिनल वर्जन पर जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस रोम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहो यार आप लोग, और मुस्कुराते रहो और बने रहो मिस्टर टेक्नोहॉलिक चैनल के साथ, और कहते रहो भारत माता की जय।